वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीबीआर स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपनी मोबाइल फोन या लैपटॉप, टीवी, जो भी उपकरण है आपके पास, उसमें से सेटिंग चेंज कर लें, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल HD क्वालिटी में है। यहाँ पर हम इसलिए आपके नाम को नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी वीडियो होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अभ्यास 5B का, सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि 6 सवाल नंबर तक हम लोगों ने 4 क्लास में देख लिया था। आज आपकी ये 5 क्लास होगी, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोग वही जानते हैं कि अच्छा सोचें अच्छा होगा। जी बिल्कुल, जैसे एक तिल्ली पूरे पेड़ को जला सकती है, लेकिन बनती एक छोटे से लकड़ी से है, है ना। उसी तरह के एक बुरा विचार आपकी पूरे सपनों को जला सकता है, पूरे ख्वाहिशें पूरे प्लान को जला सकता है, समझ रहे ना। लेकिन वो उत्पन्न कहां होता है, आपके ही अंदर से एक छोटा सा भाव। 7 सवाल जो है, इसमें करना क्या है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। आवाज अगर धीमी आ रही होगी तो बताइएगा, हम माइक्रोफोन यूज करेंगे, क्योंकि आज ओनली ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है, इस वजह से माइक्रोफोन नहीं लिया हमने। अनुक्रम मतलब होता है श्रेणी, इस श्रेणी में कितना पद ही हमें निकालना है। पहला सवाल है, श्रेणी है जो कि 7, 13, 19, -2, 205। कहने का मतलब ये है, कह रहा इसमें कुल कितने पद हैं। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, फिर ये तीसरा पद है, बीच में चौथा होगा, पांचवा होगा, फिर वैसे ये 205 तक होगा, तो कौन सा पद होगा ये 205, मतलब कितने पद है। ऐसे नहीं बोल देंगे कि 205 पद है ना, क्यों, क्योंकि ये 7 जो है पहला पद है, 13 दूसरा पद है, ऐसा तो नहीं है कि 13 जो है 13वां पद है, नहीं है ना, और 19 पद नहीं है, और 19 जो है तीसरा पद है, उसी तरह से 205 ये 205वां पद नहीं है, कुछ और है, तो कितने पद है टोटल, ये निकालना है। क्या करेंगे, जो दिया है पहले लिख लेंगे, ऐसे प्रथम पद A=7, सर्वांतर निकाल लेंगे अब हम सभी, सर्वांतर जानते ना, एक दूसरे से घटा के निकलता है, इसमें से घटेगा तो 6 आएगा, यानी कि सर्वांतर कुल मिला के 6 आएगा, हर जगह देख लेंगे आप। और आपका TN दिया है 205, क्यों, क्योंकि भाई लास्ट वाला पद दिया है ना TN, आपने ये फार्मूला देखा होगा, TN इक्वल A और फिर प्लस N-1 × T, देखा सुना है कि नहीं इस फार्मूले को, जल्दी से नोट कर ले, हम आगे से हट चुके हैं, फटाफट करें, जल्दी करें, बहुत देर ना करें, अगर नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा इसमें, ठीक है ना। यह नवा पद का मान निकाल लेंगे, बस आ गया हमारा सवाल, मान रख दीजिए ना, इसी में प्रॉब्लम की बात क्या है, कर लिए, आगे चलें। देखिए इसी में मान रख देंगे, जो भी मान होगा वो आपके सामने आ जाएगा फटाफट। TN मतलब 205, A का मान है 7, N का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी N का मान हमें निकालना है, और ये हो गया 6। इस तरह से 205 और 7 प्लस 6 का इसमें गुणा होगा, 6N-6, है ना, क्लियर। ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा, प्लस 1 आएगा, और प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिला करके 205-1=6N, और अब आपका N बराबर हो जाएगा 204/6। काट दीजिए 6 से कट जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, यानी कि N का मान आया 34। अतः आप कह सकते हैं कि इस श्रेणी में कुल 34 पद है। कितने पद हैं, 34। श्रेणी को क्या बोलते हैं जानते हैं, सीरीज बोलते हैं। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, पद मतलब होता है टर्म्स, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो, ठीक है ना। तो बाकी हम भाई यहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। और TN मतलब ये लास्ट नंबर जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको इंग्लिश में लास्ट नंबर ही बोलते हैं, हिंदी में अंतिम संख्या बोलते हैं। अगला सवाल पे चलें, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए इसी पर। देखिए 7 में 4 सवाल है, पहला आप लोगों ने कर लिया, ये लास्ट वाला सवाल मैं बता रहा हूँ, 7 का डी वाला भाग। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नंबर बड़ा अजीब सा है, ध्यान दीजिएगा। पहला पद है 18, दूसरा है 15 सही 1/2, तीसरा पद है आपका 13, और फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते जाएं तो अगला है लास्ट में 47। कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा।
ए बराबर होता है पहला पद, यानी जो दिया है मैंने लिख लिया। डी मतलब होता है सर्वांतर, इसको मैंने पहले से लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये मतलब क्या है पहले समझ ले, जो ऐसे लिखा है ना कुछ लोग बड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, ये मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसे गुणा करते हैं, दो का पंद्रह में तो पंद्रह दुना तीस, एक जोड़ देते हैं इकतीस, इकतीस बटा दो हो गया। अब ये इकतीस बटा दो है ना, इसीलिए मैंने क्या किया इसमें से इसको घटाया अठारह को, अब इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस पांच बटा दो, कैसे आएगा ये यहां से देखिए, जो इकतीस बटा दो है आपका ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, एक का गुणा इकतीस में करेंगे तो इकतीस हो जाएगा, और फिर दो का गुणा अठारह में करेंगे तो छत्तीस हो जाएगा, और दो का गुणा एक में तो हो जाएगा दो। अगर आपको ये भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको जीरो लेवल की गणित की क्लास में ये सब क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टीएन, यानी कि टीएन क्या दिया गया है, अंतिम पद 47 दिया गया है, फार्मूले में रख देंगे वही जो है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन जो है ये 47 है, ए का मान पहला पद यानी कि 18 दिया है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बताइए। ये हो जाएगा 18, अब देखिए इसका गुणा होगा लास्ट में तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्यों ये माइनस में है, ये देखिए क्या है प्लस है, तो ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस पांच एन बटा दुई, ठीक, और फिर ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वन का गुणा जब माइनस पांच में होगा तो प्लस में उत्तर आएगा, और ये पांच बटा हो जाएगा दुई, समझ गए। जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो तुरंत पूछ सकते हैं, फटाफट करें, लिखते चले तुरंत कर लिए। देखिए इतना इसके आगे अब क्या करेंगे आप लोग समझ रहे होंगे, 18 को इधर लाएंगे, इसमें से घटा लेंगे, फिर जो आएगा इसके साथ उसको हल करेंगे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमने विस्तार कर दिया। विस्तार कहां पे कर दिया, पांच बटा माइनस पांच बटा दो का इसमें गुणा कर दिया। हमें अगर छोटे में लगाना है तो यहां पर थोड़ा समझना होगा, इसको हमें गुणा नहीं करना होगा, क्यों नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग बड़ा चाहेंगे नहीं। डी का मान माइनस पांच बटा दो जो दिया है उसको रख दीजिए वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, ये 47 की तरफ ले आएंगे 18 को उधर से, इधर बचेगा एन माइनस वन इंटू, ये जो भी लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ध्यान देंगे अगर आप उधर से माइनस 18 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कहीं गड़बड़ है क्या, पहला पद तो 18 दिया गया है, ये जुड़ना चाहिए, घटेगा कैसे, देखिए वो इसलिए घट रहा है क्योंकि हमने माइनस नहीं लगाया। अगर आप अपनी किताब में देखें, वैसे आप लोगों के मन में आ भी रहा होगा, तो ये माइनस 47 दिया है, बुक में देख लीजिएगा, ये डैश डैश तो है माइनस 47 है, इसी वजह से ये लग रहा था कि सवाल फंस जाएगा, ये माइनस में है ये भी माइनस है, समझ गए ना, मैंने मान जो रखा था ना यहाँ पे ये प्लस रखा था, ये माइनस है बाबू, ठीक है, माइनस किताब में दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये जुड़ जाएगा तो ये 65 हो जाएगा दोनों जुड़ के, और ये मैं यहीं पे इसको कर दूं या एक लाइन और आगे बढ़ाऊं, यहीं पे हल कर देता हूं आसान रहेगा। इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये गुणा में हो जाएगा पलट के, तो ये हो जाएगा कितना, दो पांच होगा बट ये पलट जाएगा, दो बटा पांच, पांच से कट जाएगा, कितना आएगा 13, लेकिन इसको इधर वाला तो लिख लीजिए ना n माइनस वन, अब ये 13 दुना हो जाएगा 26 इक्वल n माइनस वन, अब ये 26 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि n का मान कितना आएगा 27 आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, और दिख नहीं रहा होगा तो हम अभी आपको दिखा देते हैं, समझ गए कि नहीं, अगर नहीं समझे तो निसंकोच पूछ सकते हैं आप लोग, मैं इसको फिर से हल करके दिखा देता हूं, इधर साइड में हल्का सा देख लीजिए क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी जहां पर मैंने जल्दी कर दिया मुझे मालूम है। ये देखिए माइनस 47 माइनस 18 था इक्वल एन माइनस वन इंटू माइनस पांच बटा दो, इतना सबको समझ में आया, हमने क्या किया इन दोनों को जोड़ लिया, आप जोड़ेंगे तो माइनस 65 आएगा, जोड़ लीजिए
खुद से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा था ये गुड़ा में है, गुड़ा चिन्ह लगा है, इधर आएगा बराबर के तो भाग हो जाएगा। लीजिए मैं भाग भी करके दिखा देता हूं, भाग मतलब नीचे चला जाएगा ये 5/2, ठीक है, क्लियर। इक्वल कितना हो जाएगा एन माइनस वन, लेकिन इसको आप हल कैसे करेंगे ऐसे हो जाएगा। तो भाई भाग जब इस तरह से आ जाता है, जीरो लेवल की क्लास में आपने देखा होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये -62 ऐसे ही रहेगा, गुणा का चिन्ह लगा करके नीचे वाले भिन्न को पलट देते हैं, तो ये हो जाता है 2/5 और माइनस अपना लिए रहेगा साथ में। अब ये कट जाएगा और बराबर जो ये -1 है उसको लिख देंगे, 5 से कटेगा आप जानते हैं 13/5 और 13 को 2 में गुणा करेंगे 26 हो जाएगा। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि जब लोहा लोहा टकराता है तो चिंगारी निकलता है ना, आपको मालूम है ना, ठीक है। अब यहां से यन का मान कितना आ गया 27, क्योंकि इधर माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वही सेम चीज मैंने इधर बगल में हल किया, समझ गए ना, ठीक है। आगे बढ़िए, रोक लीजिए वीडियो को इसी पर, लिख लीजिए, नोट कर लिए होंगे तो ये आपके लिए होमवर्क तैयार हो चुका है। देखिए क्लास जो भी छोटी हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारी कोशिश होती है कि गागर में सागर हो, यानी कि थोड़े समय में ज्यादा मटेरियल आपको मिले, इसलिए आप देखते होंगे वीडियो बीच में रुक जाता है, अचानक फट से मटेरियल आपके सामने आ जाता है, लिखने का टाइम नहीं वेस्ट होता है। अगर हम आपके सामने इसको लिखेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा, आप देखेंगे, है ना, तो कम समय में ज्यादा मटेरियल आपको उपलब्ध हो, हमारी यही कोशिश होती है। मानते हैं कि लाइव में आपसे हमसे डायरेक्ट संपर्क होता है, बातचीत होती है, आपका नाम वगैरह लेते हैं, आपके सवाल जो भी आप करते हैं बताया जाता है, लेकिन एक घंटे की लाइव में इतना ही मैटर कंप्लीट हो पाता है जितना आप 10 मिनट में देखते हैं। तो टाइम की बचत के लिए क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइव में क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिलहाल अभी आपका DSLR कैमरा आ जाएगा तो उम्मीद है सही हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन सही हो गया, लैपटॉप भी आ गया, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिक्कत है, वेब कैमरा भी लेना पड़ेगा अलग से, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें, इस होमवर्क को नोट कर लें, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो इसको हल करके भेजेंगे तो आपका सभी सवाल चेक करके आपको बताया जाएगा, अगर नहीं चेक किया जाता है तो आप नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो, अगर नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लें, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, नंबर पे कांटेक्ट करें, आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक तरफ से सभी क्लास मिलेंगी, जैसे इस समय संख्या आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी, बाकी इसके पहले का जो भी है बहुपद और त्रिकोणमिति सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इस क्लास को शेयर करके जाइएगा, चलते चलते याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको मैथ नहीं आती लेकिन आप ट्राई करते हैं तो आपको अवश्य आएगी। थैंक यू, इस क्लास को मित्रों में शेयर करके जाइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। फिर से एक नई उम्मीद के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में, ऊपर नंबर दिख रहा है, जल्दी से वीडियो को रोक कर लें इसी पे और लिख लें।